गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राग विस्तार सेशंस में बड़ा आनंद लग रहा है ना। मैं जब आप राग विस्तार करते हो और मॉनिटरिंग करते रहता हूँ, तब आप एक हायर लेवल के स्टूडेंट हो, इसलिए आपसे कुछ ज़्यादा वेरिएशंस की अपेक्षा की जाती है। आप सारे सिंगिंग डायनेमिक्स तो जानते ही हो। सिंगिंग डायनेमिक्स में कौन से प्रकार हैं? खटका है, मूर्की है, मींड है, गमक है। राग विस्तार यानि डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर्स इन दैट राग। अब शुरुआत में जब आलापी करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता होती है, टेक फॉर एग्जांपल राग भूप। राग भूप में आप जब राग विस्तार करने लगते हो और पहले खर्ज में जाते हो, तो खर्ज का स्वर ध लगेगा सा के साथ। साध अभी सा और ध, ये दो स्वर, ये दो स्वरों पे आप कौन सी वेरिएशंस कर सकते हो? हाँ, फॉरवर्ड खटका, बैकवर्ड खटका, मूर्की, गमक करो, इसको अप्लाई। अभी ये ध को मैं फॉरवर्ड खटका से करता हूं, सुनिए। पहले प्लेन लेता हूं, सा ध। अभी ध को फॉरवर्ड खटका देता हूं, सा ध सा ध सा ध। ये सा का खटका दिया, सा ध। ये हुआ ना सेकंड वेरिएशन, सिर्फ सा और ध स्वरों पे। अब ध को बैकवर्ड खटका से लीजिए, जो तीसरा वेरिएशन होगा, सा ध। याने सा ध प ध, सा ध। ये फॉरवर्ड खटका बैकवर्ड खटका हो गया, कितने वेरिएशंस हुए? सा ध सिंपल, सा ध फॉरवर्ड खटका, सा ध बैकवर्ड खटका, तो तीन वेरिएशंस तो आप यहीं पे दिखा सके। अभी इसको ध को मुर्की में लीजिए, मुर्की कैसी रहेगी? ध सा प ध, चार फ्रीक्वेंसीज, ध सा प ध, सा ध सा ध सा प ध सा। अभी गमक लीजिए, गमक में पांच फ्रीक्वेंसीज आएगी, ध सा ध प ध, सा ध ध ध सा ध प ध सा ध। लो, और एक वैरायटी हो गई। और नॉर्मली अब सा और ध या ध और सा, ये दो स्वर, ये दो स्वरों को जब एंड करना है, आपको फुल स्टॉप देना है, तभी वेरिएशन लेते हैं, ध सा। सा पर आकर के वो वहां पे ठहराव आ जाता है, पड़ाव आ जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है, ध सा ध सा।
ये ध सा मींड से ध सा, न्यू वेरिएशंस आप हर स्वर पे ले सकते हो। रे को इंट्रोड्यूस किया, अब भूप राग में ग ये वादी स्वर है, तो वादी स्वर को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो पहले उसको छिपा कर ले आना, घूंघट पहने ले आना, और बाद में उसको ओपन अप कर दीजिए। देखिए सारे, यहां पे मैंने रे लिया लेकिन रे को ग से खींच कर रे पे बिठा दिया, सा रे, यानी मैंने वो ग स्वर की झलक दिखा दी कि अब ग आ रहा है, ग इंट्रोड्यूस होने वाला है। रे ग, ये ओपन कर दिया घूंघट, दिखा दिया ग, अब ये रे ग इन पे फॉरवर्ड बैकवर्ड खटका मुरकी गमक ये वेरिएशंस कीजिए। ये आप जब भी करोगे तभी समझोगे, जब तक किया नहीं जाता तब तक समझ नहीं होती। कोई भी चीज समझने के लिए, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाने के लिए उसको करना जरूरी रहता है। आप खटका मुरकी गमक इसको जब अप्लाई करोगे तभी उसकी समझ करेक्ट होने लगेगी। मुझे आप पर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप 100% इसको अप्लाई करके प्रोग्रेस बहुत जल्द करोगे।